हाय फ्रेंड्स, मैं हम सुदिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं कुछ अलग ही चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। आई होप आप उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन मुझे लगा कि आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। एक सवाल जो आजकल, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं, तो आप कहेंगे आई थिंक 60 से 70% ही कहेंगे, क्योंकि बाकी 30% ये कहेंगे यार हम मोबाइल में जो भी यूट्यूब देख लेते हैं, या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं या तो फिर पिक्चर देख लेते हैं बस, लेकिन टीवी बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा एक सोर्स बनता जा रहा है एंटरटेनमेंट का, और मैं भी हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा है उसके। और जी हाँ, नहीं मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूंगा, मैं फिलहाल बात करूंगा टीवी के ही बारे में। टीवी पर रियलिटी शोज की भरमार है। रियलिटी शोज मतलब गाना गाने से लेकर, हंसाने से लेकर, गुदगुदाने से लेकर, पता नहीं खाने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, हर तरह के रियलिटी शोज फिलहाल चालू हैं। इंडियन आइडल चालू है, वहाँ पे सारेगामापा चालू है, वहाँ पे रियलिटी चालू है, वहाँ पे ये चालू है, वहाँ पे वो चालू है, वहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया चालू है, वहाँ पे लाइव कुछ चालू है जिसमें लाइव वोटिंग होती है। यार हर जगह चीजें चालू है रियलिटी शोज। पहले यार एक दो रियलिटी शोज होते तो समझ में भी आता था, जहाँ पे इंडियन आइडल पहले होता था, सारेगामापा होता था, तो कुछ समझ में भी आता था। अब हर एक चैनल वाले अपने अपने रियलिटी शोज लेके बैठ गए हैं, ना हाथ ना पैर ना कुछ, बस रियलिटी शोज लेके बैठ गए हैं। और इन सभी रियलिटी शोज का बस एक ही तरह का मतलब कंसेप्ट रहता है। मतलब सीधी सी बात है यार, तुम अगर रियलिटी शोज बनाए तो कंसेप्ट थोड़ा तो चेंज करो, कुछ तो अलग करो, सेम तरह का कंसेप्ट है। मैं इसीलिए एक भी रियलिटी शोज देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग के भाई ऊपर जाता है। एक तो यार 1 घंटे का रियलिटी शो 2 घंटे तक का बढ़ा देते हैं, बीच में एड डाल के, बीच में नौटंकी, ये सब वो सब कॉमेडी कुछ भी बकवास करके, जो रियलिटी शोज का मतलब है वो पूरा कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड शो करके रख दिया पूरा। रियलिटी शोज बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि कुछ चीजें मेरे दिमाग के ऊपर जा रही है, क्योंकि मेरे को फेक चीजें पसंद नहीं है। मतलब अगर चीजें क्लियर क्लियर रहे तो ज्यादा मजा आता है मुझे। अब रियलिटी शोज की बात करें, चाहे इंडियन आइडल है या कोई और, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि चलिए ठीक है, चलिए ऑडिशंस की बात करते हैं, चलिए ऑडिशंस की बात करते हैं। ऑडिशंस में आप पहले देखो, सीधा ऑडिशन होता था, उसके बाद भाई आप मुंबई आ रहे हो तो मुंबई आ रहे हो तो मुंबई में देखा जाएगा, मुंबई में वो वापस से एक ऑडिशन होंगे, वापस से सिलेक्ट कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, वो सब होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज में जो जाते हैं, चलिए इंडियन आइडल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ वहां पे जाने के बाद ना वो लोग उन लोगों के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब घर के हो या बहुत ही ज्यादा अलग टैलेंटेड घर के हो। टैलेंटेड वाला तो सीधी से बात है, हर कोई रहता है भाई टैलेंटेड, लेकिन ज्यादा ऐसे लोगों का वीडियो लोग बनाते हैं जो बहुत गरीब घर के होते हैं। अब उसका रीजंस मैं बताता हूँ, क्योंकि रियलिटी शोज इमोशंस के बेस पे चलाना इन्हें आता है, ये इमोशंस के बल पे ही रियलिटी शो चलाते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको उस इमोशन से कनेक्ट करेंगे ऑडियंस को, मतलब ये लोग कनेक्ट करेंगे कैसे, दिखाएंगे एक घर में लेके जाएंगे, यार इसके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, शायद माता जी गुजर गई या कुछ भी, बहुत गरीब परिवार के है, रोजी रोटी नहीं आती है। वहाँ पर सिंगिंग के जरिए वो चाहती है लड़की कुछ करना, यार लड़का कुछ चाहता है कुछ करना किसी घर में, तो उसे प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा अच्छी काम, ये अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, इमोशंस ठीक है। तो वो इमोशंस को पकड़ के पूरे सीजन तक वो लास्ट तक लेके जाते हैं, फिर एक दो एपिसोड्स के बाद वापस से जर्नी दिखाएंगे, यार कैसे जर्नी थी, आप कितना चेंज आ गया आपकी जर्नी में, आपको कैसा फील कर रहे हैं, मैं खुद की बढ़ाई करने लगे कि यार हमारी बढ़ाई करो, हमारे शो की बढ़ाई करो, तो सामने वाले कंटेस्टेंट को भी यार बोला जाता है कि तू बोलना ही पड़ेगा, तेरे को भाई तेरे को वहां से लेके आया है ऐसे ऐसा करके, तू इतने प्रॉब्लम में था, तेरे को मुंबई लेके आया, तेरे को ये कर रहा है, तेरे को गाने को दे रहे, तेरे को अच्छे कपड़े पहनाए, तेरे को बोलना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगा, वो भी क्या, मैं बहुत ही मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म का जो आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, बट आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, उसको बोलने का मन नहीं है था फिर भी बोलता है वो, बहुत ही प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मैं जज इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं इनका जज का शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत, मैं इस मंच का, मैं इस लोगों का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ तक नहीं, इतना बोल दिया ठीक है, इसके बाद सामने वाला बंदा रोने लगता है। अब
रोने लगता है, तो उसके बाद आप देखोगे कई बार रोते हुए देखा है, उसके बाद जजेस उठ जाते हैं अपनी अपनी जगह से, उसको जाके हक देखते, पप्पी दे देते, बोले चुप्पे बहुत बहुत ओवर हो जाते तेरा, बंद कर तेरा रोना। तो उसको चुप कराते हैं, भाई पोछ ले आज, चल जा, पका है बहुत पका है। तो फिर बंदा चल जाता है, बाद में बैक स्टेज उसको शायद बोलते हैं, भाई इतना मत इमोशनल कर बे, ऑडियंस भाग जाएगी रो रो के। तो फिर कुछ इस तरह का फंडा होता है। या तो आप देखोगे, मैंने नोटिस किया है ज्यादा सिंगिंग रियलिटी शोज में गाना गाके हो गया, अच्छे से अच्छा गाना हो, गाना गाके हो गया, एक जज बोलेगा वाह बहुत सही आवाज है तुम्हारी, क्या आवाज है, वाह मतलब कमाल करते हो यार, क्या आवाज है। दूसरा जज उधर ही बाजू में बोलेगा नहीं, जज भी पसंद नहीं आया, क्या हुआ था बोलो, क्यों क्यों मतलब क्यों आवाज अच्छी नहीं थी तुम्हारी, क्यों क्या हो गया बोलो। आप सामने से कंडीशन थोड़ा गला का प्रॉब्लम था सर, थोड़ा गला है ना, गला थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर वहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, उसके बाद ढंग ढूंग ढंग ढंग इमोशनल म्यूजिक, धक धक ऐसा लगता है कि बस उसी का मातम उधर ही करके चले जाएंगे, ऐसा लगता है। इतना इमोशन, इतना परेशान कर देते हैं। फिर ये ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा बोला, गला खराब है, ऐसा वैसा समझ में, भाई मैं गला खराब तो क्या करूँ सर, मतलब जितना हो गया मैंने गा दिया। उसके बाद जज देखो कैसा पलटी मारता है, वही जो जो बुराई करे वही पलटी मारता है, नहीं बहुत घटिया गाया था, बहुत बहुत मतलब समझा नहीं, बहुत अजीब सा गाया था, और ऐसा ऐसा करके बोलेगा बहुत। वो सामने वाला जो कंटेस्टेंट जिसने गाया है वो खुद शॉक हो जाता है, भाई कितना सुनूं इनका मैं, इतना बुरा भी कहाँ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं वापस से जो अपना टोन चेंज करता है, अरे मैं मजाक कर रहा था यार, क्या गाया तुमने, तुम्हारा गला खराब था फिर भी क्या गाया तुमने, वाह 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 भाई, ये यार तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत आ जाओगे आगे जाओगे, मैं तुम्हारी तुम्हें अपनी जो भी नेक्स्ट एल्बम होगा, नए नया कुछ म्यूजिक का होगा, मैं तुम्हें साइन करूंगा, वाह वही कर देते हैं। इस तरह का कुछ होता है इमोशंस। और गाना गाने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि बंदा रो देता है, कोई भी गाना गाएगा इमोशन कुछ भी गाया रो देगा, तो फिर रो देता है तो उस पर फोकस कर देता है, पूरा क्लोज आइज फोकस कर देते हैं, उसके आंसू दिखने चाहिए वैसा फोकस करते हैं। उसके बाद जब आंसू दिखते हैं तो सब पूछते क्या हुआ, क्या हुआ, किसने बोला कुछ, क्या याद आ गया बोलो। सामने बोलता है कुछ नहीं, पिताजी याद आ गए, कुछ नहीं माता जी याद आ गई, मम्मी पापा याद आ गए, ऐसा बोलता कंटेस्टेंट। अब देखो यहां तक भी इनका बकवास खत्म नहीं होता है, दूसरे एपिसोड में उस बिना कंटेस्टेंट को बताए बगैर उसके माँ बाप को घर से उठा के लाएंगे, उसके बाद में सरप्राइज देंगे, ये देखो तुम्हारे माँ बाप आ गए मिलो, और उसके माँ बाप भी और ये भी खुश, स्टेज पे आएंगे एकदम भरत मिलाप होगा, गले मिलेंगे, पापा मी तो मतलब खूब मिस करते हो पापा, आई बाबा मतलब आपका सब एकदम सब ऐसा। उसके बाद वो भी नहीं, जज भी, आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, बहुत आगे जाएगा आपका बेटा, मतलब बहुत आगे जाएगा, इस तरह से बहुत तारीफ करते हैं। यार क्या है यार तुम, क्या ठीक है ना, एक बार कर दे समझ में आता है, हर एक सीजन में वही रिपीट करे, वही रिपीट करे, वही इमोशन, वही रोना धोना, भाई ओरिजिनल करो ना कुछ, ओरिजिनल करो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब को प्लेटफॉर्म दिया वो अच्छा नहीं किया, वो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस इमोशंस के साथ मत खेलो, कुछ अलग चीजें टैलेंट के बेस पे चीजें करो यार। इमोशंस थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन आप हर एक एपिसोड में इमोशंस घुसेड़ोगे, इमोशंस घुसेड़ोगे तो कैसे चलेगा। और एक नहीं हर एक रियलिटी शो ऐसे ही कर रहा है, अलग ही नहीं कुछ ऐसे ही कर रहा है, ये कुछ नहीं, इसके अलावा किसी के पैर में लग गया तो डांस करते हुए दिखाएं, बाद में किस क्या क्या मेहनत है तुमने, इतना पैर में लगा फिर भी डांस करके दिखाया, गला खराब था ये खराब था, हर एक चीजों के हिसाब से दिखाते हैं। ये तो छोड़े, ये सब समझ में आता है, चलो ठीक है ये सब फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। इसके अलावा एक और चीजें होती है, जो होस्ट होते हैं वो इतने वाहियात चीजें कभी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी लेके आ जाए, कुछ भी ये उनके लिए, ये जज के लिए, वो जज के लिए, कुछ कॉमेडियन बीच में घुसा देंगे म्यूजिक के शो में, क्या जरूरत है तुम्हें, तो सिंगिंग का रियलिटी शो है, सिंगिंग वाले बंदे को रखो, सिंगिंग करके खत्म करो ना यार, लोग तो कॉमेडी करना चालू कर देंगे यार, ऐसे ही होता है यार। इवन आई थिंक ऐसे कई सारे शोज है, चाहे गाने के हो, डांसिंग के हो, किसी भी तरह के शोज हो, कुछ ना कुछ अजीबो गरीब चीजें घुसाड़ ही देते हैं, और सबसे ज्यादा
घटिया मुझे वही लगता है कि जो इमोशन से खिलवाड़ करते हैं ऑडियंस से, वो बहुत गलत है। आपको बता दी, ये सब शोज जीतने के बाद बहुत ही अमूमन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ मुकाम मिलता है, वरना कुछ नहीं होता है भाई। ये सब टीआरपी का वाला खेल है। टीआरपी में अगर मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊं, टीआरपी के हिसाब से अगर सीरियल चल रहा है अच्छा या रियलिटी शो चल रहा है अच्छा, तो उसको लंबा घसेड़ेंगे, लंबा देर तक लेके जाएंगे, नहीं तो उसको जल्द से जल्द खत्म करके उसका फाइनल करके खत्म कर देंगे। तो ये फंडा होता है। तो इस तरह के चीजों में अगर आपको लगता है कि इमोशंस की मतलब लोग बहुत कदर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इमोशंस सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे बिग बॉस की बात ले लो, बिग बॉस में भी क्या झगड़ा लड़ाई इमोशंस सिर्फ देखा, क्यों? क्योंकि हम कनेक्ट हो सके उसके लिए। तो ज्यादा रियलिटी शोज आपको बता दो स्क्रिप्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फेकनेस होती है, रियलिटी जरूर कम होती है मानता हूं मैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि शोज वालों की मतलब गलती है, ऑडियंस भी ऐसी चीजें देखना पसंद करती है यार, ऑडियंस को भी ऐसी चीजें देखना पसंद है। तो इस हिसाब से मुझे तो यार ये सब चीजें दिमाग के ऊपर जाती है। रियलिटी शो स्टार्टिंग में जो होते थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीजन तक, आई थिंक जो भी रियलिटी शोज थे बहुत ठीक ठाक थे, हिसाब से थे, कुछ ज्यादा चीजें उसमें नहीं दिखाई जाती थी, काम से काम दिखाया जाता, तो समझ में भी आता था। आजकल की जो रियलिटी शोज है एक बिजनेस जैसा बन चुके हैं, एक टैलेंट के नाम पर एक नौकरी देना, जैसे बोलते ना एक तुम जीत जाओ तुम फेमस हो जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बचा है। मेरे को अजीब सा लगता है इसलिए मैं एक भी रियलिटी शोज देखता नहीं हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो इस मोमेंट तक देखता होगा स्टार्टिंग से मैं वीडियो अभी तक ये पूरा 11 मिनट देखा होगा, तो आपको अब समझ ही गए होंगे मैं कितना मुझे पसंद नहीं है ये सब रियलिटी शोज। और यही सब रीजंस है कि मैं रियलिटी शोज जल्दी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर जाता है। आप में से आई होप कुछ होंगे जिन्हें पसंद होगा रियलिटी शोज, या नहीं पसंद होगा आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कौन सा ऐसा रियलिटी शोज सही लगता है या फेक लगता है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, मुझे पता है वाहियात कुछ लोगों को लगा हो, कुछ लोगों को ढंग का अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट जरूर बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। क्या गाया।